हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और हमारे यहाँ तो आज बहुत ही बारिश हो रही है। मतलब तो मौसम पहले से बहुत बेटर है, बहुत गर्मी हो रखी थी 3 4 दिन से, अब कुछ रिलीफ है। और आज हमारे साथ है ऑटोमेटिक केटन, और मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ इसके AMT ट्रांसमिशन के बारे में। तो यार, ये जो ट्रांसमिशन है ना मारुति की, ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में यही आता है AMT। इसमें आपके दो मोड्स हैं, एक रिवर्स हो गया आर पे, और ये वाला हो गया आपका ड्राइव मोड, और ये बीच में है न्यूट्रल। और आप अगर इसको मैन्युअली चलाना चाहते हैं तो इसको ये यहाँ पे एम पे आ जाएगा। मैन्युअली में क्या होगा, आप जैसे ही इसको एम पे डालेंगे और गाड़ी को चलाएंगे तो फर्स्टली ये फर्स्ट हो जाएगा, और जब इसको चेंज सेकेंड बार करोगे सेकेंड, ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ। आपके AMT में क्या रहता है कि जब भी आपको गियर शिफ्ट करना है, मान लो ड्राइव पे डालना है या आपको न्यूट्रल करना है, रिवर्स करना है, तो आपको ब्रेक पेडल दबाना पड़ेगा, वरना ये नहीं चलेगा। कि अगर आप इसको बिना ब्रेक पेडल दबाए डी मोड पे डालते हैं तो इसमें बीप्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसी मोड पे जाने के लिए करना क्या होगा, पहले ब्रेक पेडल को दबाना होगा, फिर इसको डी पे आप एंगेज करेंगे, आपको रिवर्स जहाँ भी करना है, तो इसमें बीप्स नहीं आएंगी। अब आप देखना, मैंने ब्रेक पेडल को दबाया हुआ और मैं इसको डी पे डालूंगा तो ये फर्स्ट गियर में आ गई है आपकी। सेम ऐसे ही ब्रेक पेडल दबा हुआ है, अगर रिवर्स करना है तो ये आर पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ब्रेक पैड दबाना इसके लिए ज़रूरी है। इवन आपको गाड़ी भी स्टार्ट करनी है ना तो उसके लिए ब्रेक पेडल दबाना पड़ेगा। देखो, अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ बट नहीं हो रही है, वही बीप स्टार्ट हो गई है। और सेम अगर मैं ब्रेक पैड अब मैंने दबा दिया है और मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ये स्टार्ट हो गया। देखो, तो इसमें ब्रेक पैडल का जो रोल है वो बहुत मेन है यार। माइंड मत करना, गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। तो अभी मैं आपको गाड़ी ड्राइव करके दिखाता हूँ। तो फर्स्टली मेरे को वही ब्रेक पैड दबाना होगा और गाड़ी को स्टार्ट करना होगा। चलिए ड्राइव करते हैं गाड़ी को। मैंने वही ब्रेक पैडल दबा दिया है अपना, और ये गाड़ी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, और अपना इसको डी मोड पे डाल दिया है और ये गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई और चल पड़ी है। ठीक है, अभी ये ऑटोमेटिकली अपना गियर चेंज कर देगी। ये देखिए, सेकंड पे आ गई है। मतलब वही अकॉर्डिंग टू स्पीड ही अपने आप चेंज होता रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है, जैसे अपने रेस देना है। और ये देखिए, थर्ड पे आ गया है। सेम ऐसे ही, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो ये अपने गेयर चेंज होते रहेंगे। हल्का सा जर्क फील होता है AMT में, बट इट्स ओके, ठीक है। मैंने आपको इसका ऑटोमेटिक ड्राइव मोड पे चला के दिखाया, अभी मैं आपको मैनुअल में करके दिखाता हूँ इसे मैनुअल में कैसे यूज़ करना है। मैनुअल में जस्ट यही प्लस पे किया है, इसको फर्स्ट गियर आ गया है। ठीक है, और अभी यही चल दिए। ठीक है, अभी यही वही स्पीड के अकॉर्डिंग अपना गियर मांगेगा। जैसे आपने स्पीड दे दी है 20 है, अब ये सेकेंड गियर मांग रहा है, जस्ट इसको प्लस पे किया और ये सेकेंड। ठीक है, स्पीड के अकॉर्डिंग ही होगा इसका। अभी देखिए, स्पीड बढ़ी और वही मैंने जैसे इसको प्लस किया, थर्ड आ गया आपका। सेम यही चलता रहेगा, प्लस अभी स्पीड कम थी, स्पीड के अकॉर्डिंग ही देगा ये। अभी थ्री है, अभी ये फोर आ गया है। ठीक है, सेम यही आपका ऑटोमेटिक में, उसमें जस्ट ये है कि अपने आप से गियर लेता है वो, इसमें आपको मैनुअली प्लस पे करना होगा। अभी वही स्पीड आपको एकदम इनिशियल लेना है तो आप इसको एकदम से माइनस पे डालेंगे। आपका ये AMT है, CVT के कंपैरिजन में बेटर है, एवरेज इसमें थोड़ा अच्छा निकलता है आपका। बट हाँ, वही है, CVT में आपको जो इसमें गियर के जर्क फील होते हैं ना, वो नहीं होते। अब ये थर्ड है, अब ये फोर्थ हुआ ना, मुझे फील हुआ है कि हाँ गियर चेंज हुआ है। तो वही चीज़ है, CVT थोड़ा कॉस्टली भी रहता है AMT से, उसमें बिल्कुल भी आपको गियर नहीं फील होगा कि हाँ गियर चेंज हुआ है। और हाँ, एक चीज़ जो जैसे लोग बोलते हैं कि आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी एकदम से पिकअप नहीं लेती जैसे मैनुअल में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप जैसे आपके थ्रोटल आप इसको देंगे उसी हिसाब से ये गियर अपने शिफ्ट करेगी। अब जैसे हम नॉर्मल चला रहे हैं तो नॉर्मली सेकंड से थर्ड हो गया, वही आपको एकदम किसी को ओवरटेक करना है, आप एग्रेसिवली इसको
पंच करेंगे तो वही गियर छोटा होगा और एकदम से पिकअप बढ़ जाएगा आपका। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें एक्सेलरेशन की कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, आपके थ्रोटल के ऊपर है। आप इसको एकदम से एग्रेसिवली पंच करेंगे, देखो एकदम गियर छोटा हो गया और एकदम से पिकअप लिया इस गाड़ी ने। तो यही है कि AMT गाड़ी जो है इजी टू ड्राइव है लर्नर्स के लिए। मान लो कोई बिगिनर है तो जस्ट आप स्कूटी जैसे चला रहे हैं, वही चीज़ है। आपको जस्ट इसको डी पे डालना है, ड्राइव मोड पे, और पंच करना है, हल्का हल्का गाड़ी चल जाएगी अपने आप से ही। तो यही था आज की वीडियो में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।